हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल विवेक कुमार स्टार में आप लोगों का स्वागत है। आज दोस्तों आप लोगों को हम सिखाएंगे फ्रंट हैंड स्प्रिंग। फ्रंट हैंड स्प्रिंग जैसे कि आप लोग यूट्यूब पे बहुत सारा देखे होंगे, लेकिन ये सबसे अलग होने वाला है, इसलिए आप इसको शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। और इसमें हम आपको बेस्ट ट्रिक बताएंगे जो कि एक बार में आप सीख जाइएगा। तो चलते दोस्तों अपने वीडियो की ओर। दोस्तों इस स्टंट को करने के लिए आपको 3 स्टेप की ज़रूरत पड़ेगा। पहला हैंड स्टंट, उसके बाद दूसरा चक्रासन, तीसरा हैंड पुश। देख पा रहे हैं दोस्तों, इसको हम एक साथ कंबाइन करके हम दिखा देते हैं आपको किस तरह ये होता है। और ये चीज़ नहीं जान पा रहे हैं तो आप आई बटन पे जाके सीख लीजिएगा दोनों चीज़ को। तीसरा चीज़ अभी हम बता देंगे। सबसे पहले हैंड स्टंट, उसके बाद चक्रासन, उसके बाद हैंड पुश। आप लोगों को हम दिखा दिए ये चीज़। इसके बाद इसको करने के लिए आप एक बच्चे को लीजिएगा जहाँ पे कि आप आराम से चक्रासन बन सकते हैं। देख सकते हैं, हम इस तरह करके चेक कर लीजिएगा हम चक्रासन बन सकते हैं या नहीं, ठीक है। चेक करने के बाद उस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस हैंड स्टैंड एंड चक्रासन दोनों को साथ कंबाइन करने में डर लगता है दोनों को, इसलिए ये चीज़ करना पड़ेगा आपको। तो इस पर गिरने आप गिरिएगा भी तो कोई दिक्कत नहीं होगा, इसलिए हैंड स्टैंड किए फिर इस पर चक्रासन करेंगे। देखिए दोस्तों, आप अगर गिर भी जाते हैं तो वो थाम लेगा आपको। ऐसा आदमी को रखना है, ऐसे दोस्त को रखना है जो कि आपके भार को थाम पाए, ठीक है दोस्तों। इस तरह आप लोगों को पूरा कंप्लीट करना है। उसके बाद आप लोग एक उससे हल्का बड़ा, जो बड़ा होगा जिस पर कि आप मतलब चक्रासन नहीं कर पा रहे होंगे, उसको लेना और उस पर इस तरह करना है दोनों को कंबाइन। देख सकते हैं हैंड स्टैंड एंड चक्रासन दोनों को साथ करना, तो आपका हैंड पुश उसी के साथ साथ हो जाएगा, तीनों चीज़ एक साथ कंबाइन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप थोड़ा सा साथ होने के बाद भी आप थोड़ा सा हैंड पुश का प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। प्रैक्टिस करने के बाद थोड़ा सा और भी अच्छा होगा, इसलिए आप इस तरह करके प्रैक्टिस। बाद आगे चलते हैं प्रैक्टिस की ओर। ये तो आपका बेस हुआ, अब प्रैक्टिस की ओर चलते हैं। प्रैक्टिस किस तरह करना है वो बता रहे हैं। प्रैक्टिस में बस सेम उसी बच्चे को लेना है जो कि आपका भार सध सके, जैसे कि वहाँ पे लिए थे आप चक्रासन बनने के लिए। इस पर प्रैक्टिस करना है क्योंकि दोनों को कंबाइन कीजिएगा तो आपका डर ख़त्म रहेगा, क्योंकि वो एक आदमी रहेगा, इसलिए इस तरह आइएगा। हम तो थोड़ा कम भार दिए, लेकिन आप उस पर बहुत ज़्यादा भार दीजिएगा, इसलिए भार सधने वाला बच्चा को रखिएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद इस तरह आप कीजिएगा तो 2-4 बार गिरिएगा, आप करते रहिएगा, रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिएगा, फिर इस तरह होगा। देख पा रहे हैं दोस्तों, फिर इसी तरह होने के बाद, और इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, उसमें सटने का कम कोशिश कीजिएगा। आप चाहिएगा हम ऊपर ऊपर ही स्टंट मार के निकल जाए, ऐसा ही सोचना है और ऐसा ही करना, उस पर भार बहुत कम देना। फिर उससे बड़ा आदमी को लेना है, बड़े दोस्त को लेना है, फिर उस पर इस तरह करना जैसे कि उसमें किए थे। इसके बाद इसको करते 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 आप देख पा रहे होंगे कि इस तरह आएगा। इस पर भी इसी तरह आप प्रैक्टिस करते रहना है, बार बार प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है दोस्तों। इसको प्रैक्टिस करने के बाद आप लोग बहुत ही क्लियर कर लीजिएगा। पहले हल्का सा उस पर भार देना है, फिर भार देते 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 आप सोचिएगा हम उस पर भार नहीं दे, बिना भार दिए हम उस पार चले जाएँ, ऐसा सोचना है आपको और ऐसा ही करना है आपको। तो जैसे कि हम देख पा रहे होंगे, देखिए भार हम देने का बहुत कम कोशिश कर रहे हैं, बहुत कम। इस तरह करते करते आप फाइनली पूरा आराम से इस पर पूरा प्रैक्टिस के साथ आप इसको पूरा कर लीजिएगा। हमको पता है दोस्तों, क्योंकि ये सिंपल ट्रिक है, और इससे बेस्ट ट्रिक तो अब क्या हो सकता है। देख पा रहे हैं इस तरह आप लोगों को करना है। उसके बाद आपको अब कोई सपोर्ट नहीं लेना है और आपको ज़मीन पे करना है। ज़मीन पे करने के लिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पैर को किस तरह फेंकते हैं। देख पा रहे हैं दोस्तों, पैर को इसी तरह पुश करना है। देख पा रहे हैं इस तरह से, हम जिस तरह हम वीडियो में कर रहे हैं बस इसी प्रकार आप लोगों को भी करना है। इसके बाद इस तरह आप पलटिएगा तो फिर इस तरह आप गिरिएगा, फर्स्ट बार कीजिएगा तो। इसके बाद आपको हम स्टेप 1 स्टेप 2 करके आपको हम बता देते हैं कि धीरे धीरे आप किस तरह करते रहिएगा रेगुलर प्रैक्टिस तो किस तरह होइएगा। स्टेप 1 में इस तरह आइएगा, एक हाथ आपका पीछे ही रह जाएगा और आप बैठिएगा। फिर स्टेप 2 में आप का दोनों हाथ आगे जाएगा, देखिए हम करके दिखा रहे हैं। देखिए स्टेप 2, दोनों हाथ आगे गया। फिर स्टेप थ्री में आपका क्या होगा कि आप जब उस पार जाइएगा, देखिए इस तरह हल्का पैर मुड़ेगा और आपको झटका लगेगा,
मतलब इसको रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिएगा तब, ये आपको हम समय बचाने के लिए हम शॉर्ट में बता रहे हैं। इसके बाद आप फोर्थ में ये कीजिएगा, स्टेप फोर्थ में, फिर फाइनली आपका स्टेप फाइव में पूरा पूरी आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए इस तरह आपका पूरा फाइनली क्लियर हो जाएगा, देखिए इस तरह करना है, ठीक है। अब हम आपको एक बच्चे से करवा के दिखाते हैं, देखिए इस तरह। वो बालू, मेरा जो ट्रिक है वो बालू घास कहीं भी आप कर सकते हैं, आप कहीं भी आसानी से कर सकते हैं। फाइनली आपका इस तरह पूरा फुल्ली स्टंट क्लियर हो जाएगा, देखिए इस तरह। आप बालू में भी जा प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऊंचा से जब ये क्लियर हो जाएगा तब आप ऊंचा से लिया कीजिएगा। उसके बाद फिर रेगुलर प्रैक्टिस आप घास पर कीजिएगा, जैसे कि देखिए बार बार कर रहे हैं, इसी तरह आपको करते रहना है रेगुलर प्रैक्टिस पूरा फाइनली। इसमें एक टाइप और आता है, अलग टाइप, जिस जो कि आप टाइगर श्रॉफ को देखे होंगे मारते हुए, एक एक पैर करके, अलग अलग पैर करके रखता है उधर, देख पा रहे हैं जिस तरह हम वीडियो में कर रहे हैं। तो ये भी आपको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स दोस्तों। आई होप दोस्तों आप लोग फ्रंट हैंड स्प्रिंग सीख गए होंगे। तो दोस्तों आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दूसरे के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी सीख पाए। तो दोस्तों और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे आपको क्या होगा क्योंकि अगला जो हम स्टंट सिखाएंगे, कोई भी स्टंट सिखाएंगे तो उसको आप सीख लीजिएगा बढ़िया से, उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा। थैंक्स दोस्तों।